नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। एक राष्ट्र एक चुनाव भारत में प्रस्तावित चुनावी सुधार है जो देश में सभी चुनावों को एक साथ कराने की वकालत करता है, चाहे वो संसदीय, राज्य विधानसभा या स्थानीय निकाय चुनाव हो। हर 5 साल में एक बार एक साथ कराए जाने चाहिए। इस अवधारणा का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, चुनाव से संबंधित खर्चों को कम करना, बार बार होने वाले चुनावों से होने वाले व्यवधान को कम करना और अभियान से हटकर नीति कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करके शासन को बेहतर बनाना है। भारत में लंबी बहस के बाद एक देश एक चुनाव की सिफारिश करने वाले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अनुमान है सरकार शीतकालीन सत्र में इस प्रस्ताव को बिल के रूप में पेश कर सकती है, यानी अभी इस बिल को भारत में लागू होने के लिए बहुत समय लगेगा। लेकिन आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट दुनिया के कई देशों में लागू है। इसमें अमेरिका, फ्रांस और स्वीडन जैसे देश शामिल हैं। तो चलिए जान लेते हैं यहाँ चुनाव किस तरह से होते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति, कांग्रेस यानी निचले सदन और सीनेट यानी उच्च सदन के लिए चुनाव हर 4 साल में 1 नवंबर के पहले मंगलवार को होते हैं। वहां चुनावी प्रक्रिया के तहत मतदाता राष्ट्रपति, कांग्रेस के सदस्यों, राज्यपालों, राज्य विधायकों और स्थानीय अधिकारियों सहित विभिन्न संघीय, राज्य और स्थानीय कार्यालयों के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत प्राथमिक चुनावों से होती है। यहाँ राजनीतिक दल आम चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं और इलेक्टोरल कॉलेज प्रणाली का इस्तेमाल कर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, जिसमें प्रत्येक राज्य को कांग्रेस में उसके प्रतिनिधित्व के आधार पर एक निश्चित संख्या में इलेक्टोरल वोट आवंटित किए जाते हैं। चुनाव में जो उम्मीदवार बहुमत हासिल करता है वो राष्ट्रपति बन जाता है, जबकि कांग्रेस के सदस्यों और अन्य अधिकारियों को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में लोगों द्वारा दिए गए वोटों के आधार पर चुना जाता है। फ्रांस में भी चुनाव के लिए कुछ इसी तरह का प्रोसेस है। यहाँ हर 5 साल में एक साथ राष्ट्रपति और नेशनल असेंबली यानी संसद के निचले सदन के लिए चुनाव कराए जाते हैं। बहुमत हासिल करने वाली पार्टी अपना प्रधानमंत्री 2 चरणीय प्रणाली के माध्यम से चुनती है। अगर कोई प्रधानमंत्री प्रतिनिधि इस चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं बना पाता है तो शीर्ष 2 के बीच फिर से चुनाव कराया जाता है। स्वीडन देश में चुनाव के जिस मॉडल को अपनाता है उसके तहत संसद यानी रिक्सडैग और स्थानीय सरकार के लिए आम चुनाव हर 4 साल में एक साथ आयोजित कराए जाते हैं। वहीं नगरपालिका और काउंटी परिषद चुनाव राष्ट्रीय चुनावों के साथ होने से मतदाताओं को एक ही दिन में कई चुनावी प्रक्रियाओं में शामिल होने का मौका देती है। इस प्रोसेस के तहत राष्ट्रीय और स्थानीय विधायिकाओं के कार्यकाल का एक ही समय निर्धारित किया जाता है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार के विभिन्न स्तरों के चुनाव एक साथ कराए जा सके। स्वीडन में इस चुनावी प्रक्रिया के चलते चुनावी दक्षता और मतदाताओं की सक्रियता दोनों को ही बढ़ावा मिलता है। साथ ही इस प्रोसेस से अलग अलग चुनाव कराने का प्रशासनिक बोझ भी कम होता है। अब अगर सवाल ये उठता है कि क्या भारत जैसे देश में जहां इतनी बड़ी जनसंख्या है क्या यहां चुनाव कराना आसान होगा, तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत में एक बार चुनाव करने की प्रक्रिया कोई नई बात है। साल 1950 में गणतंत्र होने के बाद 1951 से लेकर 1967 के बीच हर 5 साल में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते रहे। देश में मतदाताओं ने साल 1952, 1957, 1962 और 1967 में केंद्र और राज्यों के लिए एक साथ मतदान किया। लेकिन देश में कुछ पुराने राज्यों का पुनर्गठन और नए राज्यों के उभरने के साथ इस प्रक्रिया को साल 1968 से 1969 में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। कई लोग सवाल कर रहे हैं कि एक चुनाव से संविधान और लोकतंत्र कमजोर होगा। इसका जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता कहते हैं कि 1952 से 1967 के बीच हुए सभी विधानसभाओं और लोकसभा के 4 चुनावों से संविधान और लोकतंत्र कमजोर नहीं हुआ था। कुछ लोग इसे संघीय ढांचे के खिलाफ मान रहे हैं, जबकि हकीकत में इससे अनेक क्षेत्रीय दलों की विधानसभा के साथ लोकसभा में ताकत बढ़ सकती है। इससे अमेरिका की तर्ज पर केंद्रीय स्तर पर
द्विदलीय व्यवस्था का विकास होगा, जिससे चुनावों में सतही आरोपों की बजाय सार्थक बहस के नए दौर की शुरुआत हो सकती है। एक राष्ट्र एक चुनाव के कई फायदे हैं। ऐसे में अगर भारत में ये लागू होता है तो ये देश की आर्थिक स्थिति के साथ साथ लोकतंत्र को और मजबूत बनाने का काम करेगा। एक साथ चुनाव कराने को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। रितम मीडिया की नई ऐप आ गई है। जी हाँ, देश की उभरती हुई बहुभाषी मल्टीमीडिया रितम ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको ढेर सारे मजेदार फीचर्स। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटेस्ट न्यूज मिलेगा। इसमें आप देश दुनिया की हर खबर PIH और देख सकते हैं। साथ ही दिस डे इन हिस्ट्री में जानिए इतिहास की खास बातें। रितम मीडिया ने खास आपके लिए TV और वेब सीरीज सेक्शन जोड़े हैं। अब देखिए अलग अलग न्यूज चैनल्स और मजेदार कहानियाँ। और हाँ, सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है। यहाँ आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं। खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग अलग टैब्स हैं, जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार कैसा, फटाफट गूगल प्ले स्टोर या iOS पर जाइए और रितम ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले पाइए अपडेटेड न्यूज़।